then I could never miss an update. Right now, and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. स्वागत है आप सभी का महेंद्राज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर. तो वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन. आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे 26 अगस्त के टॉप मोस्ट करंट अफेयर को, एंड कल की क्लास में हमने जो पढ़ा था उसको हम लोग रिवाइज भी करेंगे. सो वेरी गुड मॉर्निंग अंतरिक, दीप, रूपा एंड निष्ठा, विद्या, चितंबा, पुष्परंजन, जीतू, निकिता, खुशबू, रजत, राहुल, संजीव, प्रिया, संजीत. ओके एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग. तो जितने भी लोग कनेक्ट हुए हैं, एक बार फटाफट से क्या कर दीजिए, आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, जिससे और भी लोग हमारे साथ कनेक्ट हो सके. ओके सो वंस अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन. गुड मॉर्निंग साहिना, देवांशु, सोनू वर्मा, नेहा, कुंदन, नीरज, सालिनी प्रिया, विद्या, सुदीप रॉय. ओके एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग. तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बात कर लेते हैं अपकमिंग ऑनलाइन बैचेस की. अगर हम अगस्त मंथ के अपकमिंग ऑनलाइन बैचेस की बात करें, तो जो हमारी लास्ट बैच स्टार्ट होने जा रही है वो स्टार्ट होगी 31 अगस्त से, और ये आपका बैंक और एसएससी दोनों के लिए. दैट मीन्स ये आपका एक बैच बैंक का स्टार्ट हो रहा है और एक एसएससी का, और ये बाइलिंगुअल में होगा. बाइलिंगुअल मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल होंगे. इसके अलावा एक और बैच स्टार्ट हो रही है 31 अगस्त को ही, ये बैंक की है, बट ये आपका बंगाली और इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, ना कि हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में. तो जिनको भी इनरोल करवाना है आप करवा सकते हो. बैंक की जो बैच स्टार्ट हो रही है बाइलिंगुअल में, उसकी टाइमिंग सुबह 10:30 से 12:30 है, और एसएससी की जो बैच स्टार्ट हो रही है वो इवनिंग 7:30 to 9:30 है. एंड बंगाली और इंग्लिश की जो बैच स्टार्ट हो रही है, मतलब बैंक की बंगाली और इंग्लिश लैंग्वेज में, इसकी टाइमिंग 6:30 to 8:30 है इवनिंग में. तो जिनको भी इनरोल करवाना है आप लोग करवा लीजिए. इसके लिए आप सिंपली इस वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, दैट इज www.mahendras.org, या फिर आप इस टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं. अदरवाइज जो भी नियर बाई ब्रांच है आप वहां पर विजिट करके इनरोल करवा सकते हैं. ठीक है, तो अभी भी आपके पास टाइम है, ये लास्ट बैच है, इसके बाद तो अगस्त मंथ में आपकी कोई बैच स्टार्ट नहीं होने वाली है. तो आपके पास टाइम है, आप स्टार्ट आप इनरोल करवा लीजिए. ठीक है, बताया ना एसएससी में आपकी इवनिंग की बैच, इवनिंग में आपकी एसएससी की बैच है फ्रॉम 7:30 to 9:30. ओके, अब हम आते हैं हमारे आज के चैंपियन ऑफ द डे पर. अगर हम आज के चैंपियन ऑफ द डे की बात करें, तो हमारे आज के जो टॉप 5 चैंपियन है उनका नाम है राहुल, आलोक, दीप, अंतरिप एंड सुप्रियो. सो राहुल, आलोक, दीप, अंतरिप एंड सुप्रियो, ये क्या है, हमारे आज के टॉप 5 चैंपियन ऑफ द डे हैं. सो कॉन्ग्रेचुलेशन एवरीवन एंड वेरी वेल डन. आप सभी क्या बनते हैं हमारे आज के टॉप 5 चैंपियन. क्लियर हो गया? ओके, चलिए अब हम क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे. कल की क्लास में हमने जो जो पढ़ा था उसको एक बार फटाफट से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं. तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि पीएम मोदी जी ने दो इम्पॉर्टेंट हेल्थ इनिशिएटिव हमारे नेशन को, हमारे राष्ट्र को क्या किया है, डेडिकेट किया है. इन्होंने दो हॉस्पिटल इनॉग्रेट किए, एक फरीदाबाद में जिसका नाम अमृता हॉस्पिटल है, एंड सेकेंड वन इन्होंने मोहाली के मुल्लानपुर में होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर का क्या किया है, इनॉग्रेशन किया है. ठीक है, तो फरीदाबाद में कौन सा हॉस्पिटल है, अमृता हॉस्पिटल, और मोहाली के मुल्लानपुर में कौन सा हॉस्पिटल है, होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर. क्लियर हुआ ये? इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि बांग्लादेश बॉर्न फाहमिदा अजीम को क्या किया गया है, 2022 पुलित्जर प्राइज दिया गया है फॉर इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग कॉमेंट्री कैटेगरी. इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग एंड कॉमेंट्री कैटेगरी में बांग्लादेश बॉर्न फाहमिदा अजीम को 2022 पुलित्जर प्राइज क्या किया गया है, दिया गया है. ठीक है, ओके. देन रेयर ब्लैक पैंथर स्पॉटेड इन मध्य प्रदेश टाइगर रिजर्व. मध्य प्रदेश टाइगर रिजर्व में हमारा ये ब्लैक पैंथर स्पॉट किया गया था. फटाफट से बताइए कौन से टाइगर रिजर्व में, कल हमने पढ़ा था कौन से टाइगर रिजर्व में, मध्य प्रदेश के कौन से टाइगर रिजर्व में इसको स्पॉट किया गया है, जल्दी से बताइए. देन नेक्स्ट हेडलाइन क्या थी, मिजोरम की पुलिस ने इनको क्या किया गया है, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है, बिकॉज इन्होंने सिंगल डे में 934 kg एंड 27 बॉटल ऑफ ड्रग को क्या किया था, डिस्ट्रॉय किया था. दैट्स वाई इनको वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में क्या किया गया, इनको सम्मानित किया गया है. किसकी हम बात कर रहे हैं, मिजोरम पुलिस की. यहाँ पर टाइगर रिजर्व का आंसर नहीं आया, कौन से टाइगर रिजर्व में इसको स्पॉट किया गया, रेयर ब्लैक पैंथर को.
ओके वेरी वेल डन पेंच। सो यहाँ पर पेंच टाइगर रिजर्व में इसको क्या किया गया, नोटिस किया गया, ठीक है, चलिए स्पॉट किया गया। इसके बाद नेक्स्ट हम लोगों ने क्या पढ़ा था, 5G सर्विस, ये हमारा लॉन्च होने वाला है। तो 13 ऐसे इंडियन सिटीज हैं जहां पर सबसे पहले आपका 5G सर्विस क्या किया जाएगा, लॉन्च किया जाएगा। कौन कौन से हैं वो सिटीज, अहमदाबाद, बेंगलुरु, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली, गांधीनगर, गुरुग्राम, हैदराबाद, जामनगर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई एंड पुणे, ठीक है। नेक्स्ट हेडलाइन क्या थी, नेक्स्ट हेडलाइन इज एक्सरसाइज उल्ची फ्रीडम शील्ड। ये जो एक्सरसाइज है उल्ची फ्रीडम शील्ड, ये किसके बीच में हुआ है, साउथ कोरिया एंड यूएस के बीच में। तो साउथ कोरिया एंड यूएस के बीच में जो एक्सरसाइज अभी रिसेंटली स्टार्ट हुई है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है उल्ची फ्रीडम शील्ड, ठीक है। इंडिया फर्स्ट नेवल शूटिंग रेंज इनॉग्रेट्स एंड INS करना इन विजाग। जो इंडिया का पहला नेवल शूटिंग रेंज है, ये आपका इंडोर शूटिंग रेंज है, इसका इनॉग्रेशन कहाँ पर किया गया है, INS करना पे किया गया है, विजाग में, ठीक है। विक्रम चौराई स्वामी, विक्रम चौराई स्वामी इनको इंडिया नेक्स्ट हाई कमिश्नर टू यूके अपॉइंट किया गया है। सो इंडिया नेक्स्ट हाई कमिश्नर टू यूके कौन बने हैं, विक्रम चौराई स्वामी, ठीक है। ऑल 23 एम्स टू बी नेम्ड आफ्टर लोकल हीरोज, मॉन्यूमेंट्स एंड ज्योग्राफिकल आइडेंटिटीज। जो भी हमारे लोकल हीरोज हैं, मॉन्यूमेंट्स है या फिर ज्योग्राफिकल आइडेंटिटीज है, उनके नाम पर हमारे जितने 23 एम्स हैं उनका नाम रखा जाएगा, ठीक है, जिससे हम उनके नाम से जो लोकल नेम है या जो भी उसका एक उस एरिया का एक पर्टिकुलर आइडेंटिफिकेशन है, उस नाम से हम एम्स को आइडेंटिफाई कर सके। नेक्स्ट हेडलाइन क्या था, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर टेक्सटाइल दर्शना जारदोस हैज इनॉग्रेटेड द सिल्क मार्क एक्सपो इन न्यू दिल्ली। सो यहाँ पर जो सिल्क मार्क एक्सपो है, इसका इनॉग्रेशन कहाँ पर किया गया, न्यू दिल्ली में किया गया, और किसके द्वारा किया गया, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर टेक्सटाइल दर्शना जारदोस के द्वारा किया गया, ठीक है। नेक्स्ट हेडलाइन, फॉर्मर चांसलर ऑफ जर्मनी एंजेला मार्केल, एंजेला मार्केल इनको 2022 यूनेस्को पीस प्राइज से क्या किया गया, सम्मानित किया गया। तो फॉर्मर चांसलर ऑफ जर्मनी एंजेला मार्केल को 2022 यूनेस्को पीस प्राइज से क्या किया गया, सम्मानित किया गया, ठीक है। एंड ये हम लोगों ने पढ़ा था कि जो लॉन्ग फिंगर्ड बैट है ना, न्यू स्पीसीज लॉन्ग फिंगर्ड बैट, ये डिस्कवर्ड किया गया और इसका नाम क्या है, मिनियोप्टेरस एंड फिलिप्टी, मिनियोप्टेरस एंड फिलिप्टी, ये नया स्पीसीज है बैट का जो आपका रिसेंटली डिस्कवर किया गया। इसमें मतलब इसमें डिफरेंस क्या है बाकी से, इसमें डिफरेंस ये है कि लॉन्ग फिंगर्ड बैट्स हैं, इसकी जो उंगलियां हैं वो थोड़ी बड़ी बड़ी हैं, ठीक है। ओके नेक्स्ट हेडलाइन, इंडिया हैज वन ब्रॉन्ज मेडल इन 14th एशियन मेंस अंडर 18 वॉलीबॉल चैंपियनशिप हेल्ड इन तेहरान। तेहरान में आयोजित 14वीं एशियाई पुरुष अंडर 18 वॉलीबॉल चैंपियनशिप में भारत ने कांस्य पदक जीता है, ठीक है। मिनिस्टर ऑफ स्टील ज्योतिरादित्य सिंधिया विल इनॉग्रेट द 13th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एग्जीबिशन बाय द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेटल्स एट प्रगति मैदान इन न्यू दिल्ली। सो यहाँ पर जो मिनिस्टर ऑफ स्टील है ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये क्या करेंगे, 13th एडिशन जो है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन का बाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेटल, इसका ये इनॉग्रेशन करेंगे कहाँ पर, नई दिल्ली के प्रगति मैदान में। तो कौन सा एडिशन है, 13th एडिशन है, कौन इनॉग्रेट करेगा, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी इनॉग्रेट करेंगे, कहां पर करेंगे, न्यू दिल्ली में, ठीक है, न्यू दिल्ली के प्रगति मैदान में। ओके नेक्स्ट हेडलाइन क्या थी, नेक्स्ट हेडलाइन इज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल एड्रेस द ग्रैंड फिनाले ऑफ स्मार्ट इंडिया हैकथॉन 2022। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये स्मार्ट इंडिया हैकथॉन 2022 के ग्रैंड फिनाले को क्या करेंगे, संबोधित करेंगे, इसको एड्रेस करेंगे। ये सारी हेडलाइन हम लोगों ने कल पढ़ी थी और ये हमारा रिवाइज हो गया, ठीक है। अब हम आते हैं हमारे आज की हेडलाइंस पर, और पहले मुझे आप लोग एक बार कमेंट करके बताइए, कल हम लोगों ने जो पढ़ा था, जो हम लोगों ने रिवाइज किया, आप लोगों को याद हो गया। जल्दी से बताइए, याद हुआ आप लोगों को, हम लोगों ने अभी जो रिवाइज किया ये आप लोगों को याद हुआ या नहीं। याद हो गया, ओके चलिए अब हम आते हैं हमारी आज की पहली हेडलाइन पर, और हमारी आज की जो पहली हेडलाइन है वो है जर्मनी हैज इनॉग्रेटेड वर्ल्ड्स फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन फ्लीट। जर्मनी ने दुनिया के पहले हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन बेड़े का उद्घाटन किया है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन को इनॉग्रेट किया है, इसको लॉन्च किया है, ठीक है।
किसकी बात हम कर रहे हैं, जर्मनी की। तो यहाँ पर आपको याद करना है, इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये दुनिया का पहला हाइड्रोजन से चलने वाला ट्रेन है, और किसने इसका इनॉग्रेशन किया है, जर्मनी ने किया है। ठीक है, सो जर्मनी ने दुनिया का पहला हाइड्रोजन से जो चलने वाला ट्रेन है इसका इन्होंने क्या किया है, इनॉग्रेशन किया है। क्लियर हुआ, याद कर लीजिए। यार हुआ, ये क्या होगा आपका, हाइड्रोजन से ये ट्रेन चलेगा, और किसने इसका इनॉग्रेशन किया है, जर्मनी ने किया है। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडलाइन, क्योंकि ये दुनिया का पहला ऐसा ट्रेन है जो हाइड्रोजन से चलेगा। किसने इनॉग्रेट किया है, जर्मनी ने किया है। जब भी कोई चीज पहली बार होती है तो वो इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ये आपकी एक तरीके से हिस्ट्री बन गई है। जब भी पूछा जाए हाइड्रोजन से, आगे आने वाले टाइम में बहुत सारे ट्रेन चलेंगे, लेकिन जब पहला ट्रेन पूछा जाएगा तो वो आपका जर्मनी ही बताया जाएगा कि जर्मनी ने सबसे पहले इसको इनॉग्रेट किया था। तो इसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिए कि जर्मनी ने दुनिया का पहला हाइड्रोजन से चलने वाले ट्रेन का क्या किया है, इनॉग्रेशन किया है। ठीक है, अब देखिए, ये जो पहला फ्लीट है हाइड्रोजन पावर्ड पैसेंजर ट्रेन का, इट हैज रिप्लेस्ड 15 डीजल ट्रेन दैट वर प्रीवियसली ऑपरेटेड ऑन नॉन इलेक्ट्रिफाइड ट्रेक्स इन लोअर सैक्सोनी जर्मनी। ठीक है, सो हाइड्रोजन से चलने वाली ये जो ट्रेन है, ये इसने अपने पहले फ्लीट में क्या किया है, 15 डीजल से चलने वाली ट्रेनों को रिप्लेस किया है, जो पहले जर्मनी के लोअर सैक्सोनी जर्मनी में क्या करता था, नॉन इलेक्ट्रिफाइड ट्रैक्स के द्वारा इसको ऑपरेट किया जाता था। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो जर्मनी ने क्या किया है, हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन को इन्होंने इनॉग्रेट किया है। ये 100 किलोमीटर के डिस्टेंस पर दो शहरों के बीच में अभी फिलहाल चलाया गया है। ठीक है, फिलहाल ये 100 किलोमीटर के डिस्टेंस पर दो शहरों के बीच में क्या किया गया है, चलाया गया है, मतलब एक तरीके से हम बोल सकते हैं ट्रायल बेसिस इसका एक टेस्ट हुआ था। ठीक है, तो 100 किलोमीटर के डिस्टेंस पर दो शहरों के बीच में इसको क्या किया गया है, चलाया गया है। और अगर इसकी हम बात करें तो द इंजन ऑफ द ट्रेन इज पावर्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड बाय हाइड्रोजन फ्यूल सेल। इसको जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल है, जो क्या करेगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जनरेट करेगा, है ना। जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल है, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या करेगा, जनरेट करेगा, उससे क्या मिलेगी इसको, इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। ये क्या करेगा, हाइड्रोजन फ्यूल सेल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यूज करके पावर जनरेट करेगा। ठीक है, जिससे ये ट्रेन हमारी जो है क्या करेगी, ये रन करेगी। यहां तक क्लियर हुआ, जल्दी बताइए, यहां तक क्लियर हुआ। ये जो क्लास में आप लोगों का ये जो रूठना मनाना और पता नहीं क्या क्या चलता है ना, ब्लॉक कर दूंगी, बंद हो जाओ, ये सब बातें आप लोगों की बंद हो जाएगी, क्योंकि जब भी मैं कमेंट देखती हूँ आप लोगों का यही सब दिखता रहता है। मैंने पहले भी आप लोगों को वार्न किया था कि गुड मॉर्निंग वगैरह बंद कर दीजिए, बात करना बंद कर दीजिए, एग्जाम्स आपके स्टार्ट हो रहे हैं, एटलीस्ट अब तो सीरियस हो जाइए। तो हाय हेलो कैसे हो क्या हो, रूठना मनाना सर इसी क्लास में ही होता है, पर्सनल नंबर ले लीजिए, आराम से बात करिए, यहाँ पर ये सब मत करिए। ये क्लियर हो गया, चलिए ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। द ट्रेन मैन्युफैक्चर्ड बाय फ्रेंच कंपनी एल्स्टॉम एंड इट आर ऑपरेटेड बाय रीजनल रेल कंपनी LNBG ऑन रूट्स बिटवीन द नॉर्दर्न टाउन टाउन्स ऑफ कक्सहैवन, ब्रेमर हैवन, ब्रेमर बोर्डे एंड बक्सटेहूट। ठीक है, तो ये जो ट्रेन है, सिंपली से आपको याद करना है कि ये ट्रेन आपको, मतलब ये जो ट्रेन है इसको किसके द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया है, एक जो फ्रेंच कंपनी है एल्स्टॉम, याद रखिएगा इसको, एल्स्टॉम के द्वारा, फ्रांस की जो एक रेल ट्रांसपोर्ट कंपनी है एल्स्टॉम, उसके द्वारा इसको बनाया गया है। ठीक है, इतना पॉइंट क्लियर हो गया। अब देखिए, ट्रेन हैव अ रेंज ऑफ अप टू 1000 किलोमीटर। ये जो ट्रेन है, एक बार ये आपका जो भी इसको मतलब इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, जो भी पावर जनरेट किया जाएगा, उससे ये 1000 किलोमीटर तक का डिस्टेंस कवर कर सकती है, और इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो 140 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, सो 140 किलोमीटर पर आवर इसकी क्या है, स्पीड है। क्लियर हुआ ये, इज इट क्लियर टू एवरीवन। चलिए फिर से एक बार देखते हैं इसमें क्या क्या था। जर्मनी ने क्या किया है, दुनिया का पहला हाइड्रोजन से चलने वाले ट्रेन को इन्होंने इनॉग्रेट किया है, लॉन्च किया है। तो आपको याद क्या करना है, वर्ल्ड फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन लॉन्च्ड बाय जर्मनी। ठीक है, याद हो गया। आप कॉपी में कैसे लिखेंगे, आप कॉपी में लिखिए वर्ल्ड फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन इज इक्वल टू जर्मनी। तो आपको याद रहेगा कि वर्ल्ड का जो पहला हाइड्रोजन पावर ट्रेन है इसको किसने लॉन्च किया है, जर्मनी ने लॉन्च किया है। इतना क्लियर हो गया। ये जो आपका ट्रेन है, स्टार्टिंग में ये 100 किलोमीटर के डिस्टेंस पर दो शहरों के बीच में इसको रन कराया गया। ठीक है, एक तरीके से ट्रायल बेसिस पर, और इसने अभी तक फिलहाल 15 डीजल से चलने वाले ट्रेन को क्या किया है, रिप्लेस किया है। बट स्टार्टिंग में अभी ये बोला जा रहा है कि ये जो है ये आपका डीजल से चलने वाली ट्रेन से महंगा पड़ रहा है, बट एक बार इसको जब
इसमें इन्वेस्ट किया जाएगा तो धीरे धीरे ये सस्ता पड़ेगा, ठीक है। मतलब एक तरीके से हम वन टाइम इन्वेस्टमेंट बोल सकते हैं कि पहली बार जब आप इसको परचेस करेंगे तो ये आपके लिए क्या होगा, महंगा होगा, मतलब डीजल से चलने वाली ट्रेनों से महंगा होगा, पर धीरे धीरे ये सस्ता होता जाएगा, ठीक है। फिलहाल इन्होंने 15 डीजल से चलने वाली ट्रेन को क्या किया है, रिप्लेस किया है। इसको इलेक्ट्रिसिटी कैसे मिलेगी, तो जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यूज करके क्या करेगी, पावर जनरेट करेगी। मतलब यहाँ पर वाटर और स्टीम जनरेट होंगे जिसके थ्रू ये आपकी जो ट्रेन है ये क्या करेगी, ये रन करेगी। इसको बनाया किसके द्वारा गया है, तो जो फ्रांस की एक हमारी रेल ट्रांसपोर्ट कंपनी है एल्स्टॉम, ठीक है, इसके द्वारा इस ट्रेन को मैन्युफैक्चर किया गया है। और अगर हम इस ट्रेन की बात करें तो एक बार में ये 1000 किलोमीटर तक का डिस्टेंस कवर कर सकती है, और इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो 140 किलोमीटर पर आवर है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एल्स्टॉम इंपॉर्टेंट है, बाकी जो स्टार्टिंग में बताया था वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आई थिंक याद हो गया होगा। चलिए, बताया तो मैंने 1000 किलोमीटर तक का रेंज ये कवर कर सकती है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट हेडलाइन पर, और हमारी जो नेक्स्ट हेडलाइन है, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडलाइन, बिकॉज अनंग ताल लेक लोकेटेड इन साउथ दिल्ली डिक्लेयर्ड एज अ मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। दक्षिण दिल्ली में स्थित जो हमारा अनंग ताल झील है, इसको संस्कृति मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है, ठीक है। हमारा जो ये मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जब भी कोई भी हमारा मॉन्यूमेंट वो आपका नेशनल इंपॉर्टेंस में डिक्लेयर किया जाता है, तो फिर उसकी जो देखभाल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसकी हो जाती है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की हो जाती है। जैसे ये अनंग ताल लेक है, इसको क्या किया गया है, मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस डिक्लेयर किया गया है, तो अब इसकी पूरी तरीके से देख रेख कौन करेगा, इसकी देखभाल, इसकी निगरानी कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा। ये जो हमारा मॉन्यूमेंट है ना, ये दो टाइप का होता है, एक स्टेट और एक नेशनल। अगर स्टेट मॉन्यूमेंट डिक्लेयर किया गया है तो स्टेट गवर्नमेंट उसकी देखरेख करेगी, और अगर नेशनल मॉन्यूमेंट डिक्लेयर किया गया है तो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो अनंग तल लेक है, इसको मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस डिक्लेयर किया गया है, दैट मीन्स इसकी जो देख रेख है, जो देखभाल है, ये अब कौन करेगा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। क्लियर हो गया? सो याद रखिएगा, साउथ दिल्ली में जो अनंग तल लेक है, इसको एज अ मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस डिक्लेयर किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा। इज इट क्लियर? क्लियर हो गया? चलिए, अनंग तल लेक की अगर हम बात करें, ये जो हमारा अनंग ताल झील है, ये 1000 ईयर्स एगो साउथ दिल्ली में क्रिएट किया गया था, एंड इट हैज बीन डिक्लेयर्ड एज अ मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर थ्रू अ गैजेट नोटिफिकेशन। एक गैजेट नोटिफिकेशन के थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने क्या किया है, अनंग ताल लेक को इन्होंने एज अ नेशनल मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस डिक्लेयर किया है, ठीक है, इजी है और याद भी हो जाएगा। अगर हम इसकी बात करें, ये जो हमारा अनंग ताल झील है, इसको तोमर किंग अंगपाल सेकेंड के द्वारा क्या किया गया था, क्रिएट किया गया था 1060 AD में। तो इसे तोमर राजा अनंगपाल द्वितीय के द्वारा 1060 ईस्वी में क्या किया गया था, बनाया गया था। और ये भी कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 से 1316 AD के बीच में इस टैंक का वाटर इन्होंने यूटिलाइज किया था, जब इन्होंने कुतुब मीनार बनाया था और कुतुबुल इस्लाम मॉस्क को बनाया था, ठीक है। तो कुतुबुल इस्लाम मस्जिद को एक्सटेंड करने में और कुतुब मीनार को बनाने में इन्होंने इस टैंक का, मतलब इस टैंक के वाटर को क्या किया था, इन्होंने यूज किया था। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट किसके द्वारा ये बनाया गया था ये इंपॉर्टेंट है। और इसका नाम क्या है, इसका नाम है अनंग ताल लेक, जिसको मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस डिक्लेयर किया गया है। ये दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ जी, गरबा को यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में इंक्लूड किया गया, ये ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। ये क्लियर हुआ? जल्दी बताइए, ये हेडलाइन क्लियर हुई? इज इट क्लियर टू एवरीवन? हाँ, वेरी गुड लक्ष्मण। अनंग ताल लेक, तोमर किंग, अंगपाल, 1060 AD। ओके, वेरी वेल डन। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट हेडलाइन पर, और हमारी जो नेक्स्ट हेडलाइन है, नेक्स्ट हेडलाइन क्या है, एचडीएफसी अर्गो। एचडीएफसी अर्गो अ प्राइवेट सेक्टर जनरल इंश्योरर लॉन्चेस इंडियाज फर्स्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल इकोसिस्टम। ये जो हमारा निजी क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनी है, नाम क्या है इसका, एचडीएफसी अर्गो, इन्होंने भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन पारिस्थितिकी तंत्र लॉन्च किया है। मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया का जो पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल इकोसिस्टम है, इसको किसने लॉन्च किया है, तो इसको एचडीएफसी अर्गो ने लॉन्च किया है, ठीक है। किसने लॉन्च किया है, एचडीएफसी
अर्गो ने, नाम क्या है इसका, ऑल थिंग्स ईवी, ठीक है, इसका नाम है ऑल थिंग्स ईवी। एचडीएफसी अर्गो जो कि एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने कंट्री का पहला वन स्टॉप सोल्यूशन पोर्टल लॉन्च किया है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, जिसका नाम क्या है, ऑल थिंग्स ईवी। ऑल थिंग्स ईवी ये क्या है, वन स्टॉप सोल्यूशन पोर्टल है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए। मतलब जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड जो भी चीजें हमें रिक्वायरमेंट, उससे रिलेटेड जो भी रिक्वायरमेंट होगी वो हमें एक सिंगल पोर्टल पर मिलेगा, जिसका नाम क्या है, ऑल थिंग्स ईवी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो ये जो प्लेटफॉर्म है, इट हैज अ रोड मैप विथ फीचर्स लाइक स्लॉट बुकिंग। इसमें आपका रोड मैप है, लाइक हम स्टेशन पर चार्ज करने के लिए स्लॉट बुक कर सकते हैं। रोड साइड असिस्टेंस का मतलब हम रास्ते में जा रहे हैं, कहीं पर हमारी ये जो व्हीकल है ये खराब हो गई, तो हम मैकेनिक वगैरह भी बुला सकते हैं। आरटीओ सर्विस भी हम इससे ले सकते हैं और उसको क्या कर सकते हैं, मतलब एक तरीके से हमारे जो ईवी कम्युनिटी है उसको भी हम क्रिएट कर सकते हैं। तो ये एक कुल मिला के क्या है, हमारी इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड जो भी एक रिक्वायरमेंट है वो सारी चीजें हमें एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर प्रोवाइड किया जाएगा, जिसका नाम क्या है, ऑल थिंग्स ईवी। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ये ऑल थिंग्स ईवी जो एक वन स्टॉप सोल्यूशन पोर्टल है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, इसको किसने लॉन्च किया है, तो आप क्या बताओगे, एचडीएफसी अर्गो। बस इतना आपको याद करना है, ऑल थिंग्स ईवी इज इक्वल टू एचडीएफसी अर्गो। क्लियर हुआ ये, जल्दी बताइए, क्लियर हुआ? इज इट क्लियर टू एवरीवन? ये क्लियर हुआ या नहीं? एचडीएफसी अर्गो जो कि एक प्राइवेट सेक्टर जनरल इंश्योरर है, इन्होंने इंडिया का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल इकोसिस्टम लॉन्च किया है, जिसका नाम क्या है, ऑल थिंग्स ईवी। ठीक है, यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी, आप स्लॉट बुक कर सकते हैं, आपको मैकेनिक की हेल्प ले सकते हैं, आरटीओ सर्विस भी आप इस पोर्टल से ले सकते हैं, मतलब सारी चीजें आपको एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट हेडलाइन पर, और हमारी जो नेक्स्ट हेडलाइन है वो है डीआरडीओ एंड इंडियन नेवी। हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं डीआरडीओ और इंडियन नेवी की। डीआरडीओ एंड इंडियन नेवी, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है वर्टिकल लॉन्च्ड शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। ये आपका क्या है, एक मिनट, VLSRSAM, इसका मतलब क्या हुआ, VL से मतलब वर्टिकल लॉन्च, ये आप देख रहे हो कि सीधा जा रहा है, तो ये क्या है, वर्टिकल लॉन्च है, और SRSAM का मतलब क्या हुआ, शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। ये वीडियो में आप देख रहे हो ना कि सरफेस से एयर पर जा रहा है, ये क्या है, ये सरफेस टू एयर मिसाइल है। तो ये मतलब ये इस क्या बोलते हैं, ये इसका वीडियो नहीं है, ये एक एग्जांपल है, आपको दिखा रहे हैं कि सरफेस टू एयर मिसाइल क्या होता है। तो यहाँ पर जो डीआरडीओ और इंडियन नेवी है, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है वर्टिकल लॉन्च्ड शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल को, कहाँ पर, ऑफ ओडिशा चांदीपुर कोस्ट। तो डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने क्या किया है, ओडिशा के चांदीपुर तट से वर्टिकल लॉन्च की गई सतह से हवा सरफेस टू एयर से मार करने वाली मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। तो किसने किया है, डीआरडीओ प्लस इंडियन नेवी, याद रखिएगा, डीआरडीओ प्लस इंडियन नेवी इज इक्वल टू VLSRSAM, और VLSRSAM क्या है, वर्टिकल लॉन्च्ड शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। क्लियर हो गया, जल्दी बताइए, ये क्लियर हुआ? आगे देखते हैं, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये आपका वो इमेज है VLSRSAM का, ठीक है। सो डीआरडीओ और इंडियन नेवी ने क्या किया है, इन्होंने सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्ट किया है VLSRSAM का, मतलब वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल फ्रॉम द इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर ऑफ द कोस्ट ऑफ ओडिशा। अब देखिए क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है, किन लोगों ने मिलकर इसको लॉन्च किया है, ठीक है, तो डीआरडीओ और इंडियन नेवी, ये हो गया। कौन सी मिसाइल की हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल की, याद रखिएगा ये सरफेस टू एयर मिसाइल है, ठीक है। और कहाँ पर इसको इसका परीक्षण कहाँ पर किया गया, तो आप क्या बताओगे, चांदीपुर ऑफ द कोस्ट ऑफ ओडिशा, इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर ऑफ द कोस्ट ऑफ ओडिशा, ठीक है, क्लियर हो गया, ये क्लियर हुआ। चलिए आगे देखते हैं, द फ्लाइट टेस्ट वॉज कैरीड आउट फ्रॉम एन इंडियन नेवल शिप अगेंस्ट अ हाई स्पीड अनमैन्ड एरियल टारगेट फॉर द डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ वर्टिकल लॉन्च कैपेबिलिटी। तो ये जो आपका फ्लाइट टेस्ट है, ये इंडियन नेवल शिप
से किया गया था अगेंस्ट अ हाई स्पीड अनमैन्ड एरियल टारगेट। एक हाई स्पीड अनमैन्ड एरियल टारगेट रखा गया था और इंडियन नेवल शिप से इसको क्या किया गया था, इस फ्लाइट टेस्ट को कैरी किया गया था, जिससे इसका जो वर्टिकल लॉन्च कैपेबिलिटी है उसको हम डेमोन्स्ट्रेट कर सके। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर देखिए, ये क्या है, यहाँ से ये सरफेस टू एयर पर गया और एक टारगेट रख, ये टारगेट है, इसको अभी हिट करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये इसका जो क्या है टेस्टिंग की गई। ओके, एंड इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, हाँ, ये जो आपका VLSR SAM सिस्टम है इसको किसके द्वारा डिजाइन और डेवलप किया गया है, DRDO के द्वारा। तो इसको कंप्लीटली डिजाइन और डेवलप किसके द्वारा किया गया है, DRDO के द्वारा डिजाइन और डेवलप किया गया है। क्लियर हो गया? चलिए, तो ये हेडलाइन आपकी क्लियर हो गई। अब हम आते हैं नेक्स्ट हेडलाइन पर। ये हेडलाइन क्लियर हुई या नहीं, फटाफट से बताइए एक बार, ये वाली हेडलाइन क्लियर हो गई? जल्दी बताइए, क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? ओके, क्लियर हो गया। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट हेडलाइन पर, और हमारी जो नेक्स्ट हेडलाइन है वो है रिसर्चर्स एट IIT गुवाहाटी। ठीक है, सो IIT गुवाहाटी के जो रिसर्चर्स हैं, इन्होंने एक नया मेथड डेवलप किया है जिससे जो सुगर का सब्स्टिट्यूट है उसको प्रोड्यूस कर सके। सुगर का जो सब्स्टिट्यूट है उसका नाम क्या है, उसका नाम है ज़ाइलिटॉल। ठीक है, तो जो सुगर सब्स्टिट्यूट है ज़ाइलिटॉल, उसको डेवलप करने के लिए IIT गुवाहाटी के जो रिसर्चर्स हैं, इन्होंने एक नया मेथड क्या किया है, डेवलप किया है। सो IIT गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने चीनी के विकल्प ज़ाइलिटॉल के उत्पादन के लिए नई विधि विकसित की है। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि जो सुगर सब्स्टिट्यूट है ज़ाइलिटॉल, इसको प्रोड्यूस करने के लिए जो न्यू मेथड डेवलप किया गया है, कौन से इंस्टीट्यूट के रिसर्चर ने किया है, तो आप क्या बताओगे, IIT गुवाहाटी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको IIT गुवाहाटी याद करना है कि जो IIT गुवाहाटी है, उन्होंने जो सुगर सब्स्टिट्यूट ज़ाइलिटॉल है उसको प्रोड्यूस करने के लिए एक नया मेथड इन्होंने क्या किया है, डेवलप किया है, और इस सुगर सब्स्टिट्यूट का नाम क्या है, ज़ाइलिटॉल, याद रखिएगा। IIT गुवाहाटी रिसर्चर्स हैव डेवलप्ड अ न्यू मेथड टू प्रोड्यूस अ सुगर सब्स्टिट्यूट ज़ाइलिटॉल फ्रॉम सुगर केन वेस्ट। ये जो सुगर सब्स्टिट्यूट बनाया जाएगा, ये सुगर केन वेस्ट मतलब जो गन्ने का वेस्ट होता है उसका यूज करके ये सुगर का सब्स्टिट्यूट बनाया जाएगा, और ये मेथड मतलब सुगर केन के वेस्ट से ज़ाइलिटॉल को बनाने का जो एक मेथड है, इसको किसने डेवलप किया है, तो IIT गुवाहाटी के रिसर्चर ने किया है। तो इसमें आपको मेथड वगैरह क्या है वो नहीं याद करना है, आपको बस याद ये करना है IIT गुवाहाटी सुगर सब्स्टिट्यूट, नाम इसका ज़ाइलिटॉल है, और कैसे बनाया जाएगा, सुगर केन के वेस्ट से मतलब जो गन्ने का वेस्ट होता है उसका यूज करके सुगर सब्स्टिट्यूट बनाया जाएगा ज़ाइलिटॉल। नाम जरूर याद रखिएगा, इसका नाम ज़ाइलिटॉल है और कौन बना रहा है इसको, IIT गुवाहाटी। तो आपको क्या क्या याद करना है, पहला IIT गुवाहाटी ये याद करना है, दूसरा सुगर सब्स्टिट्यूट का नाम क्या है, ज़ाइलिटॉल, और ये किसका यूज करके बनाया जाएगा, तो सुगर केन का जो वेस्ट है ना उसका यूज करके ये बनाया जाएगा। क्लियर हो गया? क्लियर हुआ ये? चलिए, द मेथड डेवलप्ड बाई IIT गुवाहाटी रिसर्चर्स टू प्रोड्यूस ज़ाइलिटॉल विच हैज पोटेंशियल एंटी डायबिटिक इफेक्ट्स। इसमें आपका एंटी डायबिटिक इफेक्ट होगा। ओवरकम लिमिटेशन ऑफ केमिकल मेथड्स ऑफ सिंथेसिस, जो इसको बनाने के लिए केमिकल मेथड्स होते हैं उसको ये कम करेगा, एंड टाइम डिलेज एसोसिएटेड विद कन्वेंशनल फर्मेंटेशन, और एक कन्वेंशनल फर्मेंटेशन के साथ एक टाइम लिमिट में हम इसको बना सकेंगे। ठीक है, तो एक तरीके से ये आपका जो एंटी डायबिटिक इफेक्ट इसमें ज्यादा होगा, मतलब जो डायबिटिक पेशेंट है वो इसका यूज कर सकते हैं क्योंकि इसमें सुगर की क्वांटिटी कम होगी। ठीक है, ज़ाइलिटॉल अ सुगर एल्कोहल डेराइव्ड फ्रॉम नेचुरल प्रोडक्ट। ये जो ज़ाइलिटॉल है, जो सुगर एल्कोहल है, इसको नेचुरल प्रोडक्ट से डेराइव किया गया है, एंड इट हैज द पोटेंशियल ऑफ एंटी डायबिटिक एंड एंटी ऑक्सीजेनिक इफेक्ट। इसमें आपका एक एंटी डायबिटिक और एंटी ऑक्सीजेनिक इफेक्ट है, जो माइल्ड प्रीबायोटिक है और जो क्या करता है, टीथ के अगेंस्ट इसको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, प्रोटेक्ट टीथ अगेंस्ट कैरीज, मतलब दांतों में जो कैविटीज वगैरह हो जाती है उससे भी ये क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, क्लियर हुआ ये? जल्दी बताइए, ये हेडलाइन क्लियर हुई? इम्पॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि ज़ाइलिटॉल को एक नए मेथड से प्रोड्यूस करने के लिए, डेवलप करने के लिए किसने, कौन से रिसर्चर ने नया मेथड क्या किया, डेवलप किया है, आपको बताना है IIT गुवाहाटी।
ठीक है, ओके। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट हेडलाइन पर, एंड दिस इज टुडेज वन ऑफ द मोस्ट बर्निंग हेडलाइन एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेडलाइन। क्या है ये? डिस्टिंग्विश्ड साइंटिस्ट समीर वी कामत हैज बीन अपॉइंटेड एज द डीआरडीओ चीफ। सो प्रतिष्ठित वैज्ञानिक समीर वी कामत को डीआरडीओ के प्रमुख के रूप में क्या किया गया है? नियुक्त किया गया है। तो डीआरडीओ के जो चीफ बने हैं इनका नाम क्या है? इनका नाम है समीर वी कामत। ठीक है, समीर वी कामत ये क्या बने हैं? ये डीआरडीओ के नए चीफ बने हैं। ठीक है साइना, इसमें बस आपको ये याद करना है, मैंने आपको बताया लिख के, ज़ाइली टॉल याद करना है, आईआईटी गुवाहाटी याद करना है, और सुगर केन वेस्ट का यूज करके बनाया जाएगा ये याद करना है। ठीक है, हाँ, टूथपेस्ट छोड़ के ये चीनी रगड़ लीजिएगा, इसको घोल बनाइएगा, पी लीजिएगा, पूरे दांतों में लगा लीजिएगा, तो आपकी दांतों वाली प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, है ना। सब कहते हैं मीठा खाने से दांत खराब होता है, ये मीठा आपको आपके दांत को सही करेगा। चलिए आगे देखते हैं। डिस्टिंग्विश्ड साइंटिस्ट समीर वी कामत हैज बीन अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड चेयरमैन ऑफ द डीआरडीओ। तो यहाँ पर डीआरडीओ के चेयरमैन बदल गए हैं और इनका जो नया नाम है, इनका नाम है समीर वी कामत। तो ये हुई ना आज की हमारी ब्रेकिंग हेडलाइन। तो ये क्या है? समीर वी कामत ये क्या बने हैं? ये डीआरडीओ के नए चेयरमैन बने। याद रखिएगा, इन्होंने रिप्लेस किसको किया है, जिसका नाम अभी आप लोग थोड़ी देर पहले लिख रहे थे और इसलिए मैंने उस टाइम बोला नहीं, और इन्होंने रिप्लेस किया है जी सतीश रेड्डी को। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, समीर वी कामत ने जी सतीश रेड्डी को रिप्लेस कर दिया है और इनकी जगह डीआरडीओ के जो नए चेयरमैन बने हैं इनका नाम समीर वी कामत है। अब अगर हम बात करें जी सतीश रेड्डी जी की, है ना, ही विल सक्सीड जी सतीश रेड्डी हु हैज बीन नेम्ड एज साइंटिफिक एडवाइजर टू डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। जी सतीश रेड्डी जी को क्या बना दिया गया है? इनको डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी का साइंटिफिक एडवाइजर अपॉइंट किया गया है। ठीक है, ये जी सतीश रेड्डी जी की जगह लेंगे जिन्हें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में नामित किया गया है। क्लियर हो गया? ये याद रखना है आपको कि डीआरडीओ के जो नए चीफ बने हैं इनका नाम समीर वी कामत है और इन्होंने जी सतीश रेड्डी जी को रिप्लेस किया है और जी सतीश रेड्डी जी को नॉमिनेट किया गया है एज अ साइंटिफिक एडवाइजर ऑफ डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। दोनों इंपॉर्टेंट है और ये हमारी आज की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हेडलाइन है, एग्जाम में ये आपको देखने को डेफिनेटली मिलेगा। ठीक है, क्लियर हो गया ये? क्लियर हुआ? आज की हमारी सबसे इंपॉर्टेंट हेडलाइन ये है। ऋतु ब्लॉक होना है आपको, बताइए। ये क्लियर हो गया? ओके, चलिए अब आते हैं आगे नेक्स्ट हेडलाइन। और हमारी जो नेक्स्ट हेडलाइन है ये याद हो गया ना, याद कर लीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट हमारी आज की बर्निंग न्यूज है ये। डीआरडीओ के नए चेयरमैन बने हैं समीर वी कामत, जी सतीश रेड्डी जी को इन्होंने रिप्लेस किया है। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट हेडलाइन पर, और हमारी जो नेक्स्ट हेडलाइन है वो है टीनेज चेस प्लेयर अर्जुन इरिगैसी क्लिंचेस आबू धाबी मास्टर। तो जो टीनेज चेस प्लेयर है अर्जुन इरिगैसी, इन्होंने आबू धाबी मास्टर क्या किया है, ये टाइटल इन्होंने जीता है। चलिए मुझे बताइए, जो कल मैंने होमवर्क दिया था आर प्रज्ञानानंद, इन्होंने कौन सा टाइटल रिसेंटली जीता है मैग्नस कार्लसन को रिप्लेस करके? जल्दी बताइए। मुझे पता है वो कोई और ऋतु है, वो स्कीम गर्ल वाली ऋतु नहीं है। जल्दी बताइए। वेरी वेल डन सुरभि, आर प्रज्ञानानंद ने मैग्नस कार्लसन को कौन से इवेंट में, कौन से टूर्नामेंट में हराया है? जल्दी से बताइए ना। वेरी गुड, एफटीएक्स क्रिप्टो कप में, है ना। तो एक तो आपको वो नाम याद करना है, दूसरा यहाँ पर ये भी नाम याद कर लीजिएगा कि आबू धाबी मास्टर का टाइटल किसने जीता है, अर्जुन इरिगैसी ने। ठीक है, तो जो आबू धाबी मास्टर टाइटल है ये अर्जुन इरिगैसी ने जीता है। अर्जुन इरिगैसी क्लिंच्ड द 28th आबू धाबी मास्टर चेस टूर्नामेंट। तो ये कौन सा एडिशन था? 28th, याद रखिएगा, जो 28th आबू धाबी मास्टर चेस टूर्नामेंट है ये किसने जीता है? अर्जुन इरिगैसी ने जीता है और इन्होंने स्पेन के डेविड एंटोन गुइजारो को क्या किया है, डिफीट किया है। ठीक है, तो इन्होंने स्पेन के डेविड एंटोन गुइजारो को हराकर 28th आबू धाबी मास्टर चेस टूर्नामेंट जीता है। दो नाम याद करना है, पहला नाम है अर्जुन इरिगैसी। ठीक है, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने 28th एडिशन याद रखिएगा, 28th आबू धाबी मास्टर टाइटल को जीता है और इन्होंने किसको हराया है? तो इन्होंने स्पेन के डेविड एंटोन
गुलजारों को क्या किया है, डिफीट किया है। ठीक है, क्लियर हो गया, क्लियर हुआ ये। चलिए अब आगे आते हैं नेक्स्ट हेडलाइन पर, और हमारा जो नेक्स्ट हेडलाइन है, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट हेडलाइन, हरिद्वार डिक्लेयर्ड बेस्ट एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया। नीति आयोग ने अनाउंस किया रिसेंटली कि जो हरिद्वार है, उत्तराखंड में जो हरिद्वार है, इसको बेस्ट एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर किया गया है इंडिया का, और इसके फर्दर डेवलपमेंट के लिए 3 करोड़ रुपीज क्या किए गए हैं, एलोकेट किए गए हैं। ठीक है, एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट क्या होता है, मतलब जो हमारा सोशली और इकोनॉमिकली जो वीक डिस्ट्रिक्ट है उसको क्या किया जाता है, फर्दर डेवलप किया जाता है, जिससे वो डेवलप कर सके, उसके डेवलपमेंट के लिए वर्क किया जाता है, जिससे जो इकोनॉमिकली और सोशली वीक हमारा एरिया है वो डेवलप हो सके और आगे आ सके। तो हरिद्वार को नीति आयोग के द्वारा बेस्ट एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट इंडिया का डिक्लेयर किया गया है, और इसके डेवलपमेंट के लिए, फर्दर डेवलपमेंट के लिए जो अमाउंट एलोकेट किया गया है वो 3 करोड़ रुपीज है। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि आपका कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसको बेस्ट एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट इंडिया का डिक्लेयर किया गया है नीति आयोग के द्वारा, तो आप क्या बताओगे, हरिद्वार। ठीक है, आज सारी हेडलाइन हमें इंपॉर्टेंट मिल रही है ना, क्या है, हरिद्वार, याद रखिएगा हरिद्वार, इसको क्या किया गया है, बेस्ट एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर किया गया है नीति आयोग के द्वारा, और इसके फर्दर डेवलपमेंट के लिए कितना अमाउंट एलोकेट किया गया है, 3 करोड़ रुपीज। ये 2 पॉइंट आपको याद करने हैं, क्लियर हो गया, नीति फुल फॉर्म, वेरी गुड। चलिए बता दीजिए नीति का फुल फॉर्म, जितने भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर मेरे जो रेगुलर व्यूवर्स हैं उनको पता होगा नीति का फुल फॉर्म क्या होता है, तो फटाफट से बता दीजिए नीति नीति का फुल फॉर्म, बताइए नीति का फुल फॉर्म क्या होगा, जल्दी बताइए, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नीति आयोग, आयोग तो लिखा हुआ है, नीति का फुल फॉर्म बताइए क्या होगा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नीति, जल्दी बताइए, वेरी वेल, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। चलिए क्लियर हो गया ये, अब आते हैं नेक्स्ट हेडलाइन पर, और हमारी जो नेक्स्ट हेडलाइन है वो ये है कि अनुराग सिंह ठाकुर जी ने क्या किया है, आजादी क्वेस्ट जो कि एक हमारा ऑनलाइन मोबाइल गेम है, इसका इन्होंने इनॉग्रेशन किया है। ठीक है, तो यहाँ पर अनुराग सिंह ठाकुर जी ने क्या किया है, इन्होंने आजादी क्वेस्ट जो कि एक ऑनलाइन मोबाइल गेम है, इसका इन्होंने इनॉग्रेशन किया है। अब क्या है इसमें, चलिए थोड़ा डिटेल में देखते हैं। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर हैज लॉन्च्ड द आजादी क्वेस्ट, अ सीरीज ऑफ ऑनलाइन एजुकेशनल गेम्स बेस्ड ऑन इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल। सो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर जी ने क्या किया है, इन्होंने आजादी क्वेस्ट को लॉन्च किया है। आजादी क्वेस्ट क्या है, ये एक सीरीज है ऑनलाइन एजुकेशनल गेम का, जो हमारे इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल है उस पर बेस्ड एक ऑनलाइन एजुकेशनल गेम है। ठीक है, तो आजादी क्वेस्ट क्या है, जो हमारे इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल है, मतलब जो हमारा भारत की स्वतंत्रता संग्राम है उस पर आधारित ये ऑनलाइन शैक्षिक गेम है, मतलब उसका एक सीरीज है जिसका नाम क्या है, आजादी क्वेस्ट, और इसका इनॉग्रेशन किसके द्वारा किया गया, किसने इसको लॉन्च किया, इसने इसको अनुराग ठाकुर जी के द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है, इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू हाईलाइट की माइलस्टोन ऑफ इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल एंड इनकरेज अ डिजिटल लर्निंग एक्सपीरियंस। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जो इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल है उसमें जो एक माइलस्टोन है उसको हाईलाइट किया जा सके और डिजिटल लर्निंग एक्सपीरियंस को इनकरेज किया जा सके। ठीक है, तो यहाँ पर 2 ऑब्जेक्टिव रखा गया है, पहला जो डिजिटल लर्निंग एक्सपीरियंस है उसको हम इनकरेज कर सके, और दूसरा जो इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल है उसमें जो इसके माइलस्टोन है उसको हम हाईलाइट कर सकें। क्लियर हो गया, तो आजादी क्वेस्ट क्या है, ये ऑनलाइन एजुकेशनल गेम है जो हमारे इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल पर बेस्ड है, और इसको अनुराग ठाकुर जी के द्वारा क्या किया गया है, लॉन्च किया गया। क्लियर हो गया, हाँ, आजादी क्वेस्ट इज इक्वल टू अनुराग ठाकुर। INB मिनिस्ट्री ने जिंगा इंडिया के साथ कोलैबोरेट करके इस गेम को क्या किया है, डेवलप किया है। तो आपको ये भी याद करना है कि जो हमारी ये इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री है, इन्होंने जिंगा इंडिया के साथ कोलैबोरेट करके इन गेम्स को क्या किया है, डेवलप किया है। एंड दीज गेम्स आर एन एफर्ट टू टैप इनटू द ह्यूज मार्केट ऑफ ऑनलाइन गेमर्स एंड टू एजुकेट देम थ्रू गेम्स। तो यहाँ पर क्या होगा, लोगों को गेम के थ्रू एजुकेट कर सके, इसलिए ये बनाया गया है। इस गेम में, इस सीरीज में जो पहला गेम है ना, द फर्स्ट गेम इन द सीरीज इज आजादी क्विस्ट मैच 3 पजल।
ये जो सीरीज है इसमें जो पहला गेम है वो है आपका आजादी क्विस्ट मैच थ्री पजल, जो एक सिंपल और इजी टू प्ले कैजुअल गेम है, प्रेजेंटिंग द प्लेयर्स विद द कलरफुल जर्नी ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस फ्रॉम 1857 टू 1947। 1857 से लेके 1947 तक इंडिया का जो इंडिपेंडेंस की एक कलरफुल जर्नी रही है उसके बारे में यहाँ पर क्या होगा, पजल के फॉर्म में कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो आपका पहला गेम है इस सीरीज का। ठीक है, क्लियर हो गया? जल्दी बताइए क्लियर हुआ तो आपको याद क्या करना है, आपको याद ये करना है कि अनुराग सिंह ठाकुर जी ने क्या किया है, आजादी क्वेस्ट को लॉन्च किया है, जो कि एक ऑनलाइन मोबाइल गेम है, जो हमारे इंडिया के फ्रीडम्स है ना, इंडिया फ्रीडम का जो एक माइलस्टोन है उसके बारे में लोगों को बताया जा सके। क्लियर हुआ ये? चलिए अब आते हैं नेक्स्ट हेडलाइन पर, और हमारी जो नेक्स्ट हेडलाइन है वो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एड्रेस्ड द 44th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ लेबर मिनिस्ट्रीज एंड सेक्रेटरीज ऑफ ऑल स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। अब इसमें आपको क्या क्या याद करना है, पहला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के श्रम मंत्रियों और सचिवों के 44वें राष्ट्रीय सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। तो आपसे यही पूछा जा सकता है कि रिसेंटली जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ लेबर मिनिस्ट्रीज एंड सेक्रेटरीज हुई थी ये कौन सा एडिशन था, तो आप क्या बताओगे, 44th एडिशन था, और किसके द्वारा इसको संबोधित किया गया, तो पीएम मोदी जी के द्वारा इसको संबोधित किया गया। ठीक है, सो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एड्रेस्ड द 44th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ लेबर मिनिस्ट्रीज एंड सेक्रेटरीज ऑफ ऑल स्टेट। क्लियर हो गया, स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, क्लियर हुआ ये? जल्दी बताइए ये क्लियर हुआ? ओके आगे देखते हैं। अ टुडे कॉन्फ्रेंस इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट एट तिरुपति आंध्र प्रदेश। ये जो 2 दिन का कॉन्फ्रेंस है इसको आंध्र प्रदेश के तिरुपति में यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा क्या किया गया, ऑर्गेनाइज किया गया, एंड द कॉन्फ्रेंस वॉज प्रिसाइडेड ओवर बाई यूनियन लेबर मिनिस्टर भूपेंद्र यादव। और ये जो कॉन्फ्रेंस था इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई, भूपेंद्र यादव जी के द्वारा इस कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता की गई, संबोधित किसने किया, पीएम मोदी जी ने किया, कौन सा एडिशन था, 44th एडिशन। ठीक है, क्लियर हो गया इतना? ओके चलिए अब आते हैं नेक्स्ट हेडलाइन पर, और हमारी जो नेक्स्ट हेडलाइन है वो है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैज अटेंडेड द एसटीयू डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग एट तस्केंद इन उज्बेकिस्तान। ये क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में ऑलरेडी हम लोग कर चुके थे, यहाँ पर एक बार थोड़ा हेडलाइन के फॉर्म में पढ़ लेते हैं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एसटीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक में शामिल हुए। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये आपका एसटीओ डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग कहाँ पर हुई, तो आप क्या बताओगे, ताशकंद उज्बेकिस्तान में, और किसने अटेंड किया इंडिया से, तो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने। ठीक है, जल्दी बताइए क्लियर हुआ? ये क्लियर हो गया या नहीं? ओके सो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैज अटेंडेड द एसक्यू डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग एट तस्केंद इन उज्बेकिस्तान। ही आल्सो होल्ड्स बायलेटरल मीटिंग विद हिज काउंटर पार्ट लेफ्टिनेंट जनरल बाखुदीर कुर्बानोव, कॉलोनियल जनरल जनरल झाक्सिली को रुस्लान झाक्सिलो और लेफ्टिनेंट जनरल विक्टर क्रैनिक। ठीक है, इन लोगों के साथ मिलकर भी इन्होंने क्या किया, मतलब ये लोग भी इसमें शामिल थे, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट आपका वो था। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट हेडलाइन पर, और हमारी जो नेक्स्ट हेडलाइन है वो है ड्रीम सेडको। ड्रीम सेडको ने क्या किया है, सौरभ गांगुली जी को अपना ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है। तो यहाँ पर ड्रीम सेडको के जो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं इनका नाम क्या है, इनका नाम है सौरभ गांगुली। ठीक है, स्पोर्ट्स एक्सपीरियंसेस एंड ट्रेवल प्लेटफॉर्म ड्रीम सेडको हैज ब्रॉट ऑन बोर्ड बीसीसीआई प्रेसिडेंट सौरभ गांगुली एज इट्स फर्स्ट ब्रांड अम्बेसडर। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, सौरभ गांगुली को अपना पहला ब्रांड अम्बेसडर अपॉइंट किया है। तो ड्रीम सेट गो इज इक्वल टू सौरभ गांगुली। ठीक है, ड्रीम सेट गो इज इक्वल टू सौरभ गांगुली। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया? अब आते हैं नेक्स्ट हेडलाइन पर, और हमारी जो नेक्स्ट हेडलाइन है वो है वीवीएस लक्ष्मण हैज बीन नेम्ड एज द इंटरिम हेड कोच ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम फॉर द एशिया कप 2022। एशिया कप 2022 हम किसकी बात कर रहे हैं, एशिया कप 2022 की बात कर रहे हैं, और इसके जो इंटरिम हेड कोच बने हैं क्या नाम है इनका, इंटरिम हेड कोच जो बने हैं इनका नाम है वीवीएस लक्ष्मण।
ठीक है, इनका नाम है वीवीएस लक्ष्मण। आपको ये याद करना है, ये भी इम्पोर्टेंट है कि एशिया कप 2022 के लिए जो इंडियन क्रिकेट टीम के इंटरिम हेड कोच बने हैं, इनका नाम क्या है? इनका नाम है वीवीएस लक्ष्मण। क्लियर हो गया? चलिए, वीवीएस लक्ष्मण हैज बीन अपॉइंटेड एज द इंटरिम हेड कोच ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम फॉर द अपकमिंग एसीसी एशिया कप 2022। वीवीएस लक्ष्मण, इनको इंडियन क्रिकेट टीम का इंटरिम हेड कोच अपॉइंट किया गया है एशिया कप 2022 के लिए, और ये राहुल द्रविड़ जी को रिप्लेस करेंगे जो रिसेंटली कोविड-19 से क्या हो गए हैं, सफर कर रहे हैं। ठीक है, तो वो कोविड पॉजिटिव आ गए हैं, दैट्स वाई इनकी जगह पर वीवीएस लक्ष्मण जी को अपॉइंट किया गया है। सो ही विल रिप्लेस राहुल द्रविड़ हु इज डाउन विद कोविड-19। ठीक है, अर्लियर ही वॉज नेम्ड हेड कोच फॉर आयरलैंड बाउंड इनसाइड इंडियन साइड विच वॉज कैप्टन बाई हार्दिक पांड्या। इससे पहले इन्हें आयरलैंड से जुड़ी भारतीय टीम के लिए मुख्य कोच नामित किया गया था, जिसकी कप्तानी किसने की थी? हार्दिक पांड्या जी ने की थी। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा कि वीवीएस लक्ष्मण ये इंटरिम हेड कोच बने हैं इंडियन क्रिकेट टीम के फॉर द अपकमिंग एशिया कप 2022। क्लियर हो गया? हाँ, 28 अगस्त को इंडिया और पाकिस्तान का मैच है, देखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए, क्लियर हो गया? तो हमारी सारी हेडलाइंस कंप्लीट हो गई, और अब हम आते हैं हमारे आज के एमसीक्यू सेशन पर, और फटाफट से बताइए इसका आंसर क्या होगा। पहला क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज हाई कमिश्नर टू यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम में भारत के उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? संजय कपूर, मनप्रीत बोरा, रुचिरा कंबोज, विक्रम दोराई स्वामी, बताइए। मीमांसा एमसीक्यू ही तो करवा रहे हैं। वेरी गुड, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है विक्रम दुराई स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंडियन मेंस वॉलीबॉल टीम हैज वन ब्रॉन्ज मेडल बाय डिफीटिंग वॉलीबॉल टीम ऑफ विच कंट्री एट द 14th एशियन अंडर 18 चैंपियनशिप इन तेहरान। भारतीय पुरुष वॉलीबॉल टीम ने तेहरान में 14वीं एशियाई अंडर 18 चैंपियनशिप में किस देश की वॉलीबॉल टीम को हराकर कांस्य पदक जीता है? चाइना, थाईलैंड, कोरिया, इंडोनेशिया, क्या होगा करेक्ट आंसर? चाइना, थाईलैंड, कोरिया, इंडोनेशिया, वेरी गुड, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कोरिया। क्या है करेक्ट आंसर? कोरिया, हाँ, साउथ कोरिया। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मेनी मेडल्स आर वन बाय इंडियन रेसलिंग टीम एट अंडर-20 वर्ल्ड चैंपियनशिप इन सोफिया बल्गेरिया। सोफिया बुल्गारिया में अंडर-20 विश्व चैंपियनशिप में भारतीय कुश्ती टीम ने कितने पदक जीते हैं? 15, 17, 16, 18, इसका आंसर क्या होगा? हाउ मेनी मेडल्स आर वन बाय इंडियन रेसलिंग टीम एट अंडर-20 वर्ल्ड चैंपियनशिप इन सोफिया बल्गेरिया। वेरी वेल डन, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 16, 16 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैज प्रेजेंटेड अ ₹10,696.61 करोड़ टैक्स फ्री बजट फॉर फिजिकल ईयर 2022 एंड 23। आपको बताना है कौन से राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने वित्त वर्ष 2022 और 23 के लिए 10,696.61 करोड़ रुपए का कर मुक्त बजट पेश किया है? पुडुचेरी, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, बताइए इसका आंसर क्या होगा? क्या पता, पता नहीं क्या होगा, है ना? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पुडुचेरी। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा पुडुचेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑन 23rd August 2022 गूगल डूडल हैज सेलिब्रेटेड द 104th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच इंडियन फिजिसिस्ट। आपको बताना है 23 अगस्त 2022 को गूगल डूडल ने किस भारतीय भौतिकी विज्ञानी की 104वीं जयंती मनाई है? ये भी नहीं पता। विक्रम साराभाई, सीवी रमन, अन्नामनी, होमी जे भाभा। गूगल तो यूज करते हो ना आप लोग, इसका आंसर क्या होगा? वेरी गुड, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अन्नामनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कंपनी हैज इंक्ड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद असम, मणिपुर एंड त्रिपुरा गवर्नमेंट फॉर डेवलपमेंट एंड प्रमोशन ऑफ ऑयल पाम कल्टीवेशन। पाम तेल की खेती के विकास और प्रचार के लिए किस कंपनी ने असम, मणिपुर और त्रिपुरा सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? नेशनल एग्रो इंडस्ट्री, कावेरी सीड कंपनी लिमिटेड, जेके एग्री जेनेटिक्स लिमिटेड या फिर गोदरेज एग्रोवेट, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा?
दीपक स्टैटिक पढ़ाते हैं, ठीक है? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फोर, वेरी वेल डन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है गोदरेज एग्रोवेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज इनॉग्रेटेड होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर इन विच स्टेट? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है? ये सब आपको सिर्फ याद करना है ना, दैट्स वाई क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में लेकर आए हैं, ठीक है? जिससे आपको याद हो जाए, इसमें बहुत डिटेल समझने की जरूरत नहीं है, सिर्फ याद करना है, इसलिए तो हेडलाइन में नहीं रखा मैंने, क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में लेकर आए हैं। पंजाब, हरियाणा, गुजरात, उड़ीसा? वेरी गुड, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बांग्लादेश बॉर्न फामिदा अजीम हैज वन पुलाइटजर अवार्ड 2022 अंडर विच कैटेगरी? बांग्लादेश में जन्मी फामिदा अजीम ने किस श्रेणी के तहत पुलाइटजर पुरस्कार 2022 जीता है? कमेंट्री, इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग एंड कमेंट्री, एडिटोरियल राइटिंग, नन ऑफ दीज। इसका आंसर क्या होगा? वेरी गुड, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग एंड कमेंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच डांस फॉर्म हैज बीन नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू बी इंस्क्राइब्ड एज यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट? यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची के रूप में अंकित होने के लिए भारत सरकार द्वारा किस नृत्य रूप को नामित किया गया है? गरबा, गिद्दा, भांगड़ा, कथक? क्या होगा आंसर? ए, वेरी वेल डन, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है गरबा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडिया फर्स्ट इंडिजिनियसली बिल्ट एयरक्राफ्ट कैरियर? भारत के पहले स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत का नाम क्या है? आईएसी विक्रांत, आईएसी विराट, आईएसी अरिहंत, आईएसी विशाल? इसका आंसर क्या होगा? हाँ, गरबा आपका 15th एलिमेंट है, वेरी गुड। इसका आंसर क्या होगा? दुर्गा पूजा 14th है, वेरी वेल डन। अभी लास्ट ईयर 2021 में ऐड किया गया था, वेरी वेल डन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आईएसी विक्रांत। चलिए, सो यहाँ पर हमारे टॉप 10 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए, और अब आप लोगों को बताना है कि आउट ऑफ 10 आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तब तक हम आते हैं हमारे आज के होमवर्क क्वेश्चन पर, और हमारा आज का जो होमवर्क क्वेश्चन है वो है, विच बैंक हैज ओपेंड इट्स फर्स्ट ऑल वीमेन ब्रांच विथ 4 वीमेन बैंकर्स इन द नॉर्थ केरला रीजन इन कोझिकोडे? किस बैंक ने कोझिकोडे में उत्तरी केरल क्षेत्र में 4 महिला बैंकरों के साथ अपनी पहली महिला शाखा ओपन की है? इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे, और जो सबसे पहले बताएगा वो बनेगा हमारा चैंपियन ऑफ द डे, और उसका नाम हम कल के सेशन के स्टार्टिंग में डिक्लेयर करेंगे, ठीक है? तो मिलते हैं आपसे फिर रात में 10 बजे हमारे करंट अफेयर एमसीक्यू क्लास में। सो टिल देन, बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच। Right now, and press the bell icon. Never miss an update. Right now, and press the bell icon. Never miss an update.